हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं कैंपबेल रिवर, जो कि है सरी तय लगभग 270 किलोमीटर दूर। पहले बजाओगे टुआसन तले होंगे फेरी ननाइमो ड्यूक पॉइंट तक की, फिर उस तक के फिर 3-4 घंटे की ड्राइव है, फिर जाके पहुंचेंगे पकते कैंपबेल रिवर। तो भाई चल पड़े हैं। बढ़िया भाई ने बैठ दे गाड़ी में टीम पिया दी है, तेल तल भरा लिया अपन है, गलत ये जरूर ट्राई करियो भाई, चाहे कोई इंडिया में बैठे हो, चाहे कोई किसी। ये टिम बीट्स है भाई, ये जरूर ट्राई करियो, बढ़िया है। टिम की कॉफी फ्रेंच वनीला इंडियंस के लिए बेस्ट चीज है भाई यहाँ पर। वेदर क्वालिटी चेक कर लो गाइस, ऑसम है ऑसम। और यह कॉफी जो है नी भाई हजूर है, जन्नत है जन्नत। दोनों साइड ओशियन आ गया भाई, यहाँ तो अपना फेरी ले आवांगे, उसे फिर अपना रोड ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। पहुंच गए हाँ तो यहाँ तक टिकट ले आवांगे ननाइमो की फेरी की, देखो टिकट अवेलेबल है या नहीं। उस साइड विक्टोरिया की है, दिखाते हैं बाकी आपको फेरी में चढ़ के कैसा क्या व्यू होगा, सीन होगा। ये लो भाई $121 का खर्चा हो चुका है, इसमें $62 तो भाई व्हीकल के हैं, $54 अपने सवारियों के हैं। काफी कॉस्टली पड़गी, हमने सोचा था $25 व्हीकल के पड़ेंगे, चलो कोई नहीं। ये हमारी लेन 26 है भाई, लेन हमारी काफी खाली है, बाकी लेनों में काफी ट्रैफिक है एज कम्पेयर टू आवर लाइन। या डक जाओ भाई बार। Are you sure अबे? यो भाई फेरी में एंट्री स्टार्ट होगी है, क्या बात है। लो गाइस फेरी में पहुंच गए हाँ, यहाँ भाई गाड़ी पार्क कर देंगे फिर अपना ऊपर चलाएंगे। यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग भाई। तो भाई फेरी में चढ़ लिया हाँ, तो भाई देख लेते हो पूरी इतना लोड ले लिया जहाज ने, देखो कैसा रहता है हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अंकित भाई पहला आ रखे हैं, तो फिर चले ऊपर भाई, चलो भाई चलो चलते हैं ऊपर। भाई साहब पूरे हो गया था, वेदर काफी अच्छा है गाइस, ठंड बहुत ज्यादा भाई, अंदर चलते हैं। फेरी तब बाहर आ चुकी है ननाइमो, बाहर का व्यू देखते हैं कैसा क्या है। फेरी का सफर काफी मजेदार था, ननाइमो पहुंच चुके हैं गाइस, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, धूप निकली, वेदर काफी अच्छा है, मुझे भी सनरूफ में से लग रही है। अब 170 किलोमीटर का और सफर बाकी है, दिखाते हैं रास्ते में आपको क्या क्या मिलता है। काफी अच्छा व्यू है और रेजिडेंस बेस्ट है यार, मतलब बेस्ट, काफी अच्छा व्यू है, देख सकते हो क्या रहा है ग्रुप की।
दलाल साहब क्या राय है फिर यहाँ जमा बेस्ट और सौरभ जुड़ा अरे वाह क्या कहने मान के लड़के तेल भी सस्ता भाई उरे थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं अभी रास्ते में सौरभ आ जा जल्दी व्यू भी चल व्यू चेक करो गाइस एक नंबर का व्यू है भाई यहाँ और खावा परोठे चाह के लिया सवेरे 5 बजे बना के लिया रहे हैं भाई या अपनी मेज है कोई नहीं यो अपना लंच है भाई चाय के साथ परोठे नजारे आ रहे हैं नजारे और अब गांव है भाई स्टाइल बीच किनारे बसे हुए हैं गांव यूनियन बे नाम है भाई इस गांव का तो हम और देख लो कनाडा के गांव तो के हैं ले सारे ही हैं भी बढ़िया सेट भाई कनाडा के गांव या भाई बुढ़न $2,000 पेंशन मिला आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं आई मीन यो बीच के किनारे का होगा मोस्ट प्रोबेबली उरे साइड आ मैं रे कैंपबेल साइड काफी अच्छे बीच के किनारे नु गजब की लोकेशन है देख सो ये ड्रोन शॉट की तैयारियां चल रही हैं तो वही पांच कैंपबेल पहुंच चुके हैं और ये एल्क फॉल है यहाँ काफी अच्छा वेदर है अंकित भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैं दूंगा बढ़िया अपना क्या सस्पेंशन ब्रिज दलाल साहब सियाग साहब यहां तक का सफर कैसा रहा बहुत अमेजिंग था सस्पेंशन ब्रिज कैसा लगा सारे
She's like, what the heck are you doing? लो भाई टीम पी ली हमने, वीडियो हमारा 500 ध्यान भाई बनानी है, पिए बैठे हैं सारे। यो चल पड़े हैं भाई अपने घर का नहीं। अपनी फेरी कितने बजे आ रहा है? 3:15 भाई, भाई। फिलहाल टाइम हो रखा है 10:30। तो चलो इतने देखते हैं, रास्ते में कुछ और मिलता है तो वहां पे शूट करते हैं फिर। हम ननाइमो से निकल गए हैं फेरी की तरफ, तो अभी जाने लगे हैं। तेल वेल भर लिया हमने यहीं से, यहाँ पे सरी के कंपैरिजन में सस्ता था तो हमने यहीं से फुल ठोक दी गाड़ी। भाई अंकित भाई बहुत खुश हो रहे हैं। है भाई अंकित कैसा रहा फिर? अब हम भाई घर के लिए जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमारा ट्रिप घर जाके एंड हो जाएगा। तो फिर कैसा रहा उनकी आपका ट्रिप? ये बढ़िया था भाई, आपने पोल्स वगैरह देखे इसके अंदर, कैसा लगा आपको? अच्छा था। दीक्षित भाई अपने पीछे हैं भाई के, दिन को है ये दीक्षित ये भाई नो कहा था भाई थोड़ी कैमरा के सामने शर्मा होती, क्योंकि भाई पिछले काले से है नहीं तो फिर उसमें ब्राइटनेस नहीं बन पाती, फिर अपने पास तो ठीक है, अपने शकल शकल ठीक दिखने लग रही है। दीक्षित भाई देखो थोड़ा थोड़ा काला दिखेगा भाई। चलो फिर मिलते हैं फेरी पे। तो अंकित भाई कित पहुंच गया? पा पटुआसन पहुंच गया भाई, उतर जाऊंगा सरी। फिर बस फिर अपने रूम पे। और खाना खाने के प्रबंध आज? खाना आज आप बाहर से ऑर्डर करेंगे। ओके चलो भाई मिलते हैं सरी जाके आपसे। अपने कमरे में पहुंच चुके हैं, खोलो भाई कितना कैसा फील कर रहे हो? दिखते हैं वाला काफी टायर्ड है भाई। टायर्ड I am also. Let's go. Yeah. Wow, baby. Oh, yeah.